अभी से इतना आपात जन समर्थन है, नामांकन करने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे 44 वार्ड की जनता से अपील करती हूँ कि आशीर्वाद मुझे दे। नहीं, मैं जनता से अपील कर रही हूँ। जनता का समर्थन है ये, उनका प्यार है, आशीर्वाद है। ये हम लोगों ने आकर हमें आशीर्वाद जो दे रहे हैं वो है, और आगे भी उनका आशीर्वाद बना रहेगा। यह क्या बार बार कहते रहे हैं कि एक पुलिया का निर्माण हो, क्या लगता है समर्थन मिला तो पहला काम? मेरा सबसे पहला काम, यदि वार्ड में कोई भी काम होगा तो सबसे पहला काम वो पुलिया का निर्माण होगा, खेमनी चक पुलिया का ही निर्माण होगा। के राज में देखिए, अभी जहाँ पे आप देख रहे हैं रामेश्वरम उत्सव हॉल, आप देखिए सामने रोड की स्थिति क्या है? स्थिति है, यहाँ से निकलने के लिए जगह नहीं बच रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब उन्हीं कैंडिडेट को जिताए वापस और फिर से वही जंगल राज टाइप कर रहे? इसीलिए रणनीति देवी जिंदाबाद, वही रहेंगी, वही रहेंगी, वही जीत प्रत्याशी है, बहुत अच्छी प्रत्याशी है। क्या लगता है, एकदम जीत निश्चित है? जीत निश्चित है, हाँ, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। अच्छा, आप इनको लाइक क्यों करते हैं, क्यों अच्छे हैं? इसलिए कि बहुत कर्मठ उम्मीदवार हैं। आप बताइए कैसी उम्मीदवार हैं? हाँ, बहुत अच्छी उम्मीदवार हैं। इन्होंने काम किया समाज सेवा का? बिल्कुल, इनके पति, इनके परिवार, पूरा सब लोग समाज सेवा ही का काम कर रहे हैं। बहुत ही कर्मठ का कहिए कि उद्धार हो जाएगा अगर ये जनता इनको थोड़ा सा अपना समर्थन देती है। तो क्योंकि इनके हस्बैंड जो है विगत 10 वर्षों से समाज सेवा का ही काम कर रहे हैं, यानी बिना पद पे रहते काम कर रहे हैं, बिना पद पे रहते हुए भी काम कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजीव रंजन कुमार। बहुत ही अच्छी हमारे वार्ड की सबसे सुयोग एवं जो भी काम है, जो हमारा बाईपास का नाला कनेक्ट हुआ है, आवागमन में परेशानी हो रही है, उसको दूर करने का ये भरसक प्रयास करेंगे और मेरी शुभकामना है कि जरूर से जरूर विजयी हो। अपने नाम देवी जी, कैसी प्रत्याशी हैं? बहुत अच्छा, पढ़ी लिखी, क्या लगता है समाज से भी जनता ने समर्थन दिया तो काम करेंगी, वार्ड का विकास करेंगी? काम करेंगी ही करेंगी, क्योंकि बिना पद पर रहे हुए बहुत ऐसा काम है जो ये की है, ठीक है, पद मिलने के बाद और काम करेंगी, बिना पद रहे हुए अपना निजी फंड से हर चीज़ किए, कोरोना में दवा बांटना हो, चाहे बच्चे लोग का गरीब घर में भूख बांटना हो, ठंड में कंबल बांटना हो, पूजा पाठ में साड़ी बांटना हो, दवा साड़ी रोड नाली और क्या चाहिए, आपके हर दुख सुख में वो आपके साथ है, साथ रहती है, मजबूती से रहती है खड़ी, हर चीज़ में मतलब अन्याय के खिलाफ खड़ी रहती है, और क्या जनता को और क्या चाहिए? अपना नाम बताइए। रंजनी देवी जी को जिताना है। क्यों उनको जिताना चाह रहे हैं आप? क्यों जिताना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए वार्ड 44 सर्वोच्च वार्ड, इसीलिए उनको जिताना है।